अच्छा दूसरी बात ये कि कुरान का तर्जुमा हदीस ये सब पढ़े, कुरान कुरान तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, हदीस पढ़ना चाहिए, और नेक लोगों की सोहबत में रहना चाहिए। अच्छे और जो नेक लोग हैं उनकी सोहबत में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। तर्क ला यानी में हर गैर जरूरी बात और गैर जरूरी चीज से परहेज करें, इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। देखो मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ कि तर्क ला यानी जो है वो करने से हम आप जो है हर किस्म की गैर जरूरी चीजों से बचेंगे, गैर जरूरी बातों से बचेंगे, और आपका पैसा भी खर्चा नहीं होगा। और फहाशी जो के अंदर जो लोग पड़ जा रहे फैशन की वजह से, उसमें भी नहीं पड़ेंगे, अपना घर और खानदान अच्छा रहेगा, आपका पैसा बचेगा। जब आपका पैसा बचेगा तो आप विशेष सर्कल से थोड़े से निकलेंगे, जो गर्दिश है गर्दिश से थोड़ा। अब हमारे में तो गुर्बत और इफलास ये तो हमारे दुश्मनों ने फैलाया है, तो हमको चाहिए कि ऐसे जमाने में अपना पैसा बचा के रखें, अपने पैसे को जो है ना अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें, पैसे का जो है इकोनॉमिक तरीके से इस्तेमाल करें। तो इसके लिए चाहिए कि हम ऐसे अपने फजूल काम और गैर जरूरी हरकतें डेकोरेशन ये ना करें। तो तरके लाया से अगर बचेंगे तो हमारा पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और सवाब भी मिलेगा। अच्छा अपने घरों की ज्यादा डेकोरेशन हर बार नई कारें खरीदना और ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बार बार उम्रे, जो लोगों को शौक पैदा हो जाता है जिनके पास पैसे है वो बार बार उम्रे और हज करते रहते, ये भी गैर जरूरी और तर्क लायानी में दाखिल है, तो नहीं करना चाहिए। तर्क लायानी है, एक बार उम्रा कर लिए एक बार हज कर लिए काफी। अगर आपको ज्यादा पैसा है तो किसी गरीब मुसलमानों को मदद के लिए दो, गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी होंगी उसके अंदर, गरीब मुसलमान लड़के नौजवानों को बिजनेस के लिए दो, शादी से शादी भी हो जाएंगे और गरीब मुसलमान लड़के जो है जो बिजनेस करना चाह रहे हैं धंधे करना चाह रहे हैं वो अपना धंधा करेंगे, उनकी रोजी रोजगार बढ़ेंगे और वो सवाब जारिया है, वो उसका धंधा व्यापार रहेगा, उसकी हालत अच्छी होंगी, के खानदान के बच्चे उसके बच्चे खाना खाएंगे, तो आपको जो है ना उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सवाब जारिया है, ये उम्रे करने से आपको इतना सवाब नहीं होगा बार बार जितना ये किसी को जो रोजी रोजगार पे लगाने से होगा। अच्छा ये भी है, मुसलमानों फलाह के काम करें और अपनी जरूरियात को कम से कम रखें, अपनी जरूरियात जो है उनको कम से कम रखना चाहिए, अपने को जो भी जरूरत है उसको कम से कम चीजें रखें, ज्यादा बेजा जरूरियात ना करें। और जैसा कि जो खाने पीने की चीजें हैं, अपने कपड़े हैं, वो जरूरियात को भेजा ना रखे। जैसा मिसाल के तौर पर आपको अगर इस्तरी कपड़े पहनने की आदत है, फिर हर बार प्रेस करके टाइट कपड़े पहनेंगे, शूज के ऊपर खूब पॉलिश करे रहेंगे, ऐसा रहना चाहिए। आदमी मुसलमान को जो है खूबसूरत और अच्छा नजर आना चाहिए, ऐसे कपड़े भी रखना चाहिए, और मगर हमेशा ऐसी आदत ना डाले, बोल नहीं सकते कल कैसा वक्त आ जाएगा। अब आज देखो तुर्की में जलजले आए हुए हैं और इराक में शाम में जो है तो बर्बादी हो गई हुई है, वो लोग पहले कैसे रहते थे और आज क्या हालत में है कि आज रोटी रोज उसको मोहताज है, और उनके कपड़े जो इस्तरी करने वाले थे सारे जल गए, खत्म हो गए। तो वैसा हालात का ख्याल रखना चाहिए, आदमी को जो है ना मुतदिल रहना चाहिए, म्याना रवि पे रहना चाहिए, बीच के रहे, ना गुर्बत अख्तियार कर लेना चाहिए ना बहुत ज्यादा अमीरी की नकल करना चाहिए, बल्कि म्याना रवि पे रहना चाहिए, ताकि जैसे भी हालात मौका आए हमेशा उसी डगर पे चलते रहना चाहिए। ये भी एक इस्लाम का मुसलमानों का ये है अच्छा तरीका है। अच्छा बेजा चीजों के ऊपर जो है पैसा लुटाने से बचना चाहिए, कि इसराफ और बेजा चीजों में पैसा लुटाने का नहीं लुटाना चाहिए, फजूल खर्ची ये नहीं करना चाहिए। देखो हम लोग जो है मुसलमानों के जो है हम लोग के ऊपर मुसीबत इस वक्त आई हुई है, दुश्मनों ने हम पे हमले किए हुए हैं और हर किस्म के जालों में फंसाने, कोई ऐसे जमाने में मैं मिसाल दे रहा हूँ मैं कि ये हमारा अपना घर जल रहा है, अपने बका का मसला है, एग्जिस्टेंस का मसला है, ऐसे मसले के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि अपना खुद का बका, अपना एग्जिस्टेंस, अपने आप को बचाना, अपनी कौम को बचाना, अपनी सिविलाइजेशन को बचाना, अपने मजहब को बचाना, अपनी जबान को बचाना, अरबी उर्दू फारसी जो इतनी खूबसूरत जबान है इनको तबाही बर्बादी से बचाना, अपनी औलाद को बचाना, ये हमारा आज मसला है, ये हमारा घर जल रहा है, समझना हमारा घर जल रहा है, हमारे घर को आग लगा दी है दुश्मनों ने। तो ऐसे आग के जमाने में हमको बाजार में जाके पर्दे नहीं खरीदना चाहिए कि हमारे दरवाजे पे कौन सा पर्दा अच्छा लगेगा, ये दीवार में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, इसमें कौन सा डेकोरेशन करना चाहिए, छत में कौन से किस्म का सीलिंग करना चाहिए, उसमें कैसे फूल होना चाहिए, ये सोचने के लिए बाजार में नहीं जाना चाहिए। ऐसे टाइम पे जो है ना अपने घर को जलने से बचाओ, पहले पानी डालो घर को बुझाओ और घर घर की चीजों को जलने से बचाओ, उसके बाद तुम पर्दे खरीदो। आज हमारी हालत ये है कि हम जो है ना बेजा चीजों में खर्चे कर रहे हैं, फजूल खर्च कर रहे हैं और हमारा घर जल रहा है, हमारी जो है ना तहजीब सकाफत औलाद नस्ल सबको बर्बाद करने की कोशिश चल रही है। ऐसे दौर में मुसलमानों को अपने समाज के ऊपर, अपनी सोसाइटी पर तवज्जो देना चाहिए, कुरान हदीस के ऊपर अमल करना चाहिए। ये जो है हमारे जो महलों में जो इतना रश रहता है, खाने पकाने की चीजों की दुकानें
और हमारे लोग जो है तो घूम रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं। अरे ये सारा जो है ये हमारे गुर्बत की वजह से है कि गुर्बत होने की वजह से, और बड़े लोगों की तरफ देखना। इस्लाम में जो है ये है कि आप अपने से बढ़तर की तरफ मत देखो, अपने से कमतर की तरफ देखो, यानी अपने से जो कमाने वाले में, आमदनी वाले में, अपने से हैसियत में जो कमतर है उनकी तरफ देखो, उनके हालात की तरफ देखो, उनकी जिंदगी की तरफ देखो, उनके बाल बच्चे कैसे रह रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या पढ़ रहे, कैसा रहते वो देखो। अपने से बढ़तर की तरफ देखेंगे, बड़े बिल्डिंग वाले की तरफ देखेंगे, बड़े धंधे वाले की तरफ देखेंगे, तो दिल में नाशुक्री का जज्बा पैदा हो। ये शैतान है, शैतान दिल में नाशुक्री का जज्बा पैदा करता। अल्लाह ताला ने शैतान को जो है इतना बड़ा एजाज दिया था कि वो फरिश्ता नहीं होने के बावजूद भी, जिन होने के बावजूद भी वो फरिश्तों के जमात में शामिल था, फरिश्तों के साथ खड़ा हुआ था। मगर उसने नाशुक्री की, नाशुक्री करने की वजह से आज जमीन पे आके पड़ गया, जलील हो गया, और अल्लाह का जो मातूब हो गया, मरदूद हो गया। तो ये शैतान जो है ये हमारे से वो बदला निकाल रहा है। वो जो खुद मरदूद हो गया, मातूब हो गया, उसका उसके अंदर हसद है, जलन है, वो इंसान के ऊपर वो निकाल रहा है कि मैं इसकी वजह से जलील होकर नीचे गिर गया, मैं इसकी औलाद को बर्बाद कर दूंगा इंसान की। तो वो शैतान जो है हमारे हमारे दिल में बड़े लोगों की तरफ देख के जो नाशुक्री का जज्बा पैदा करता। जब हमारे दिल में नाशुक्री का जज्बा पैदा होता तो अल्लाह रसूल से भी नफरत पैदा हो जाती, इस्लाम से नफरत पैदा हो जाती, दीन से नफरत पैदा होती, एथेइज्म पैदा हो जाता। तो ये सब शैतान करना चाहता है। ये भी एक विशेष सर्कल है जो दीन के अंदर होता है, मजहब के अंदर जो विशेष सर्कल होता है ये शैतान करने लगाता है। ऐसी सारी चीजों से बचना चाहिए, अपने से कमतर की तरफ देखना चाहिए। अल्लाह ने जो हमको दिया, अगर कमतर की तरफ नहीं देखते, नहीं देख सकते, तो कम से कम ये देखो कि अल्लाह ने जो तुमको दिया, तुम्हारे पास जो है, उसी को गनीमत जानना चाहिए, उसी भी इत्तफा करना चाहिए, उसी का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ पांव आंखें दिमाग और सेहत अच्छी रखी, हमको अल्लाह ताला ने औलाद दी, लड़के दिए, और अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लड़कियां हैं, उनकी भी अच्छा अच्छा हो रहा है। हमारी चीज तब देखना चाहिए कि हम लगड़े लुल्ले मारूजूर नहीं है, किसी एक्सीडेंट में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। कि बाकी दुनिया में देखो कि कैसे कैसे लोग हैं, तुर्की के जलजले के अंदर हजारों लोग मर गए, और उनके अंदर क्या क्या उनकी चीजें नहीं थी, कैसे कैसे नहीं थे, क्या क्या ख्वाहिशें नहीं थी, और कैसे कैसे नहीं थे। मगर जो है खाली तुर्की नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक, शाम, लीबिया, फलस्तीन, ये सारे सारे जल रहे हैं दुनिया के अंदर, सारी जगह मुसीबत हो रही है। अपने को अपने आप पे फख्र है, ये शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला ना कि हम अभी तक अल्लाह ताला ने हमको कायम रखा, अभी हमको मौका दिया। ये अभी तक हम जैसे कैसे हालत में है, इसका मतलब अल्लाह ने हमको ढील दी हुई है, ये मौका दिया हुआ है। ये ऐसा नहीं कि अल्लाह ने हमको छोड़ दिया, भूल गया, बल्कि हमको अभी हमारे इस हालात पे शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका दीन की तरफ आना चाहिए, और लोगों को दीन की तरफ लाना चाहिए। गैरों के लिए के अंदर दीन फैलाने के लिए हमारे में हिम्मत नहीं है। कम से कम अपने माशरे में अपने आप पे दीन लागू करेंगे तो खुद ब खुद हमारा जो दीन की रोशनी है वगैरह तक पहुंचेंगी, हम हमारे से जो रोशनी निकलेगी दिन की वगैरह तक ऑटोमेटिक पहुंचेंगी, और वो दीन कबूल करेंगे। कम से कम अपने आप में, अपने माशरे में, अपने सोसाइटी में दीन को लाना चाहिए।